नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचाला यूट्यूब चैनल। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। आज यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो एसटीसी के स्टूडेंट है बाबर प्रोफेसर क्या फार्मूला हार्ट रोन अपनाता है। हार्ट रोन जो भी टाइपिंग टेस्ट लेता है, डाटा एंट्री का हो या कोई भी हो या एसटीसी का हो, तो वो यही फार्मूला अपनाता है। अब आइए बताते हैं आपको, ध्यान से आपने सीखना है। और यहाँ पे पार्ट वन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50 नंबर का होगा, 25 नंबर आप ले लेने हैं। और पार्ट टू के अंदर आपको 30 वर्ड पर मिनट आपने लिखना है, 5 मिनट का समय होता है। और अगर आपने हिंदी का टाइपिंग करना, उसके लिए आपको 25 वर्ड पर मिनट करना होगा, ठीक है। और पहला टेस्ट में एग्जेम्प्टेड होते हैं वो कैंडिडेट जिन्होंने कोर्स कर रखा है, जो एग्जेम्प्टेड है सरकार ने, जो चीफ सेक्रेटरी ने मान्य किया है। आइए हम बताते हैं आपको टाइपिंग का सिस्टम क्या होता है। टाइपिंग के लिए आपको बताने में चाहता हूँ, सबसे पहले हम जैसे हमने वर्ड टाइप कर दिए, 800 वर्ड टाइप कर दिए, वर्ड नहीं सॉरी, ये हो गए करेक्टर, 800 करेक्टर हमने टाइप कर दिए विद स्पेस काउंट होता है। कई बच्चे क्या कहते हैं स्पेस नहीं माना था, विद स्पेस यानी कि स्पेस भी काउंट होगा। आपने विद स्पेस मान लीजिए 800 करेक्टर टाइप कर दिए हैं, और जो वर्ड होते हैं क्या होता है, 5 करेक्टर का एक वर्ड होता है, 5 करेक्टर का एक वर्ड होता है। और इसको हम क्या करते हैं, 800 करेक्टर आपने कर दिए तो उसमें क्या है, हार्ट रोन फार्मूला अपनाता है, यानी कि 800 डिवाइड 25 यानी 25 इसको भाग कर देता है, 25 इसको भाग कर देते हैं, 25 ये 75, तो शेष बचा हमारा यहाँ पे 10 हो गए, और 5 यानी कि ये हो गया 25 ये 75, और 25 होने 50 यानी कि 32 की हमारी स्पीड आ गई है। ये फॉर्मूला अपनाते हैं डायरेक्ट, चाहे आपके 799 करेक्टर हो, चाहे आपके 500 हो, चाहे 600 हो, तो आपने 25 से इसको भाग कर देना विद स्पेस करेक्टर को, ठीक है। यानी कि 32 की आ गई वर्ड पर मिनट, यानी 32 वर्ड पर मिनट हमने लिखे हैं। और आप इसके सोचोगे कि हमने टोटल वर्ड कितने करे हैं, तो इसको 5 से कर दो, 5 × 10 5 × 15 यानी 160 वर्ड आपने टाइप किए 5 मिनट में, तो 32 की स्पीड आपकी आई है। यानी कि ये सीधा यहां से करेक्टर से मैंने दिखाया है, 32 वर्ड आपके हो गए हैं टोटल, यानी कि आप क्वालिफाई हो चुके हो, क्योंकि 30 की स्पीड से जो कर जाता है 30 से ज्यादा वो कैंडिडेट पास होता है। एक यहाँ पे बात आती है मिस्टेक को लेके, मान लीजिए एक एक्टर एस ए एन डी ई पी 1 2 3 4 5 यानी कि उसमें 5 कैरेक्टर होने, एक वर्ड माना जाएगा, इसका लास्ट वाला छूट जाएगा। लेकिन आपने लिखा है इट, और एक लिख दिया आपने इज, एक लिख दिया आपने कुछ भी लिख दिया हो 3-4 अक्षर का, और आपने इज की जगह तो कर दिया टी आई, और इज की जगह कर दिया एस आई, और ये जो लास्ट का संदीप लिखा इसके यहाँ पे कुछ और लिख दिया, आपके यहाँ के गलत हो गए हैं ये वर्ड, गलत है। इसमें वो ये भी दिखेगा कि जानकर दिया आपका ये 2 अक्षर का गलत हुआ है वर्ड, वैसे तो इसको वर्ड बोलते हैं, लेकिन जो रूल के अनुसार 5 करेक्टर का एक वर्ड माना जाता है जब हम काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मान लो आपकी ये तीन गलतियां आपकी हो चुकी है, इसमें ये नहीं दिखेगा इसके अंदर 5 करेक्टर आए हैं या नहीं आए हैं, नहीं, वो कुछ नहीं देखेगा, वो काउंटिंग करेगा 5 के हिसाब से, आपकी गलतियां पकड़ेगा हर स्पेस के हिसाब से। तो आपकी 3 गलतियां हो गई, तो आपकी जो नेट स्पीड आई है ना 32 की, इसमें से -3 कर दो, यानी कि आपकी 29 की स्पीड आ जाती है, और क्या हो जाते हो, फेल। ये होता है फार्मूला वहां का। और एक बात और ध्यान करके सुनो मेरी, वहां पे ज्यादा गलतियां करने वाला भी फेल होता है, ठीक है, तो गलतियां ज्यादा ना करें। आज तक मैंने जो देखा है 300 से ज्यादा जिन कैंडिडेटों ने गलती की है हार्ट रोन टेस्ट में वो फेल हुए हैं, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी नहीं देता हूँ। हाँ, ऐसा हद तक होता है, 300 से ज्यादा गलतियां वाला फेल होता है, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं है मेरे पास इसका भी तक, लेकिन ये काउंटिंग फार्मूला प्रूफ है मेरे पास। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में, और किसी स्टूडेंट को अभी कोई भी हमारा फार्मूला समझ नहीं आया, कुछ पूछना है पूछ सकता है। और टाइपिंग में आपने क्या करना है, जो वहां पर पैरा दया मिलता है, जैसे पैरा यहाँ पे टैब से स्टार्ट होता है कई बार, लेकिन सबसे पहले हमने कीबोर्ड को देखना है कि वो कैप्स लॉक है या कैप्स लॉक जो है वो ऑन है या ऑफ है। तो यहाँ पर क्या टैब होता है, तो हमने ऊपर टैब का इस्तेमाल करना होता है, अब सभी के नहीं मिलेगा, पैरा में टैब ही है, जो आपको पेपर देंगे ना वो सीट देंगे उसमें लिखा मिलेगा, जैसे उसमें लिखा है ना आपने सिर्फ वैसा ही लिखना है, यानी कि चाहे उसमें गलत अक्षर हो, ठीक है, यानी कि
टीएचई दांत है ना, चाहे उसने लिख रखा हो टीएच है, ये दांत लिख रखा आपने टीएच लिखना है। इनकी सीट ये जो आपको पेज देंगे ना, ये पेज इसमें जो लिखा है ना बाया बैंस जो लिखा आपने सेम वही करना है। टैब है तो टैब लगाना है, और बहुत से साथियों को टैब नहीं मिलेगा, वो टैब लगा देते हैं, वो गलती हो जाती है, वहां का फेल हो जाते हो, ये बात आपने ध्यान करनी है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फिर आती बात नेक्स्ट पैर, नेक्स्ट पैर में देखना पैर टैब है या नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं दो एंटर मार देते हैं, जब उसके अंदर दो एंटर नहीं है तो कोई अलाउड नहीं है, एंटर एक ही अलाउड होता है वैसे। और कई क्या करते हैं कोई अक्षर लिख दिया लास्ट का, उसके बाद स्पेस लगाएं, स्पेस लगाएंगे फिर वो डॉट लगाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये पहले स्टैंड में हुआ करते हैं, वो उन्हें क्या आदत आपको पड़ी हुई है, तो पहले हुआ करता था ये, अब नहीं है। आप जैसे आप लास्ट का अक्षर लिखते हुए ना, इट इज जो भी लिखो लास्ट अक्षर, तो उसके तुरंत डॉट आता है। डॉट कैसे आता है, इसमें विदाउट स्पेस ही डॉट आएगा पर लगातार, आप देख लीजिएगा जैसे भी आपका होगा, डॉट हमेशा अक्षर के साथ ही आता है। और कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, उसको जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लो और आपको हर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हिंदी में 25 की स्पीड पर मिनट पर वर्ड मिनट, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपने ये क्रॉस करने होते हैं। कई साथी को सवाल है सर कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का एग्जाम देके आते हैं और एक में पास हो जाते हैं तो क्या हम फेल होंगे, तो बिल्कुल फेल नहीं होंगे। आप एक में पास हो तो पास हो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जरूरी नहीं है आपको दोनों में पास करना। और आपके मन में अब भी कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ये तरीका है जो हार्टन अपनाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और निसंकोच वहां पे जाना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सभी जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, टाइपिंग सॉफ्टवेयर और कुछ जो जानकारी है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सब कुछ टाइपिंग नोट्स मिलेंगे और स्टडी का मैटर मिलेगा पार्ट वन के लिए, वो पेड है आपको मिल जाएगा, पेड करना होगा। किसी भाई का डाउनलोड नहीं हो पाता कोई टाइपिंग टेस्ट या क्वेश्चन शीट क्वेश्चन पेपर, यानी जो पर्सन है तैयार किए नोट्स वो डाउनलोड नहीं हो पाते हैं, पैसे कट जाते हैं, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में या मेल आईडी पे हमें बता सकते हो, मेल आईडी आपको साथ में मिल जाएगी जब आप पेमेंट करते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, और किसका कब एग्जाम है वो जरूर बताएं, पहला एग्जाम हो जैसे एग्जाम देके आए तभी आप हमें बताइएगा, और आपके लिए कुछ पर्सन लेके आएंगे जो मोटी मोटी बातें होगी और दिक्कत रही मैंने बता रखी वो भी आएगी।